सदाकत नेशनल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। गवर्नमेंट को जो काम करने चाहिए थे वो कमांडर डॉक्टर हुसैन कर रहे हैं। आज हमने फ्री मेडिकल कार्ड तमाम रहायशियों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पाकिस्तान भर में 236 हॉस्पिटल इसमें कवर्ड हैं और जो भी यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे उनको ये फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती जाएगी। जितने भी कमांडर सिटी के रिहायशी हो या फिर बुकिंग करने वाले लोग हो, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये सहूलत पहली मर्तबा आपको पूरे कराची में और वाहिद कमांडर सिटी के रिहायशियों को मिलने जा रही है। और ये आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में, कोई सड़वे से हॉस्पिटल में आपको जो है वो इलाज की सहूलत दे देंगे। नहीं 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 नहीं, जबरदस्त किस्म के आगा खान लियाकत नेशनल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कोई खांसी नजला जुकाम की, चलो यार ये तो मुख्तलिफ क्लिनिक से भी ले लेंगे। बड़ी बड़ी बीमारियां, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, इसके अलावा लेबोरेटरी से टेस्ट करवाना, ये सारी सहूलत आपको मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई ऐसी सोसाइटी में जहां पर आपको जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड आपको जबरदस्त किस्म का मिल रहा है, जहां पर आपको हवा माहौलियात बड़ा अच्छा हो, और इसी के साथ साथ जमीन का अपना घर हो, इतना जबरदस्त किस्म का जमीन का अपना घर हो, और उसके साथ यहां तक बात खत्म नहीं होती, खाना भी यहां पे जो है वो दोपहर में फ्री है। तो भाई इतनी सारी सहूलतें, और अब दूसरा इनिशिएटिव जो कि मेडिकल का देने जा रहे हैं, गैस बिजली पानी सब कुछ यहां पर है। तो ऐसे जबरदस्त किस्म के इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, बात यहां तक खत्म नहीं होती। इस पूरी सोसाइटी में आपको पार्क देखने को मिलेंगे, जबरदस्त किस्म का सिक्योरिटी निजाम आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ सड़कें बनी हुई हैं और तमाम चीजें डेवलप है। यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें, और यहाँ पे जबरदस्त किस्म के पार्क बने हुए हैं जहां पर फैमिलीज शाम के औकात में और जबरदस्त किस्म के पुरसकून माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसी के साथ साथ पानी, बिजली, गैस, यहाँ पर कोई लोड शेडिंग का चक्कर नहीं, यहाँ पर कोई गैस की लोड शेडिंग का मसला नहीं, यहाँ पर सारी जरूरियातें जिंदगी की चीजें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं। बहुत अच्छी है, तकरीबन 3 साल से हम लोग रह रहे हैं और जबरदस्त माहौल है। और आज जो जबरदस्त कार्ड मेरा है, मेडिकल कार्ड, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा पूरी वीडियो में कि किस तरीके से हमें इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और सर की तरफ से जो भी सर्विस वगैरह हमें मिल रही है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ पे रह रहे हैं उसका तो बहुत अच्छा हमें, यानी कि बहुत मजा आता है। हमारी फैमिली में सबसे पहले हम लोग आए थे, लेकिन इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पे। और किसी को भी अब बताया जाए कमांडर सिटी के हवाले से, तो कमांडर सिटी सब आना चाहते हैं। सो मच सर आगे कह रहे हैं हमें ये हेल्थ कार्ड दिया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए, और हमारे लिए एक हेल्थ कार्ड है जिसका पैदल हमारे रेडी किया गया है, और हम पाकिस्तान में कहीं भी कितना इलाज करवा सकते हैं, और हर किस्म का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर आगे और हमारे कमांडर सिटी, क्योंकि इसलिए ये अवेलेबल की जो हमारे पास सहूलत ने कराया हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बहुत कम सोसाइटीज़ हैं शायद जो है हमें देती हों, लेकिन मेरी नज़र में सर आगे का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये कार्ड हमें प्रोवाइड किया, हमें पूरे हमारे मेम्बर्स को, जितने भी मेंबर्स हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और ना सिर्फ प्रोवाइड किया बल्कि हमारे लिए बहुत सहूलत आगे और मौजूद है। तो मैं चाहूंगी कि लोगों को कमांडर सिटी का विजिट करें, ऐसा मैं क्योंकि मैं एक पार्ट हूँ सिटी का, तो मैं चाहूंगी आप विजिट करें और आके हमारी सिटी को देखें, रहना शुरू करें, क्योंकि हमारी सिटी में वो सहूलतें मौजूद है जो हम पाकिस्तान में चाहते हैं और अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। ये जो ऑफर इन्होंने दी है, आप यकीन जाने गवर्नमेंट को जो काम करने चाहिए थे वो कमांडर जाकिर हुसैन कर रहे हैं, और इवन मैं जब इनको किसी भी बिल्डर से कंपेयर करता हूँ तो मैं इनको बहुत बेहतर पाता हूँ, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, तकरीबन कमोबेश तमाम ज़रूरियात यहाँ पे लोगों की पूरी हो रही हैं। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड, और मैं इनको विश करता हूँ कि ये ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें, और लोगों के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ 4 लाख रुपीज़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट जो एक गरीब के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आज के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हमें ये मिली है हेल्थ कार्ड की सूरत में, और बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट भी है, सोसाइटी भी हमारी काफ़ी अच्छी है। तो कमी थी तो इन्हीं सब बेसिक चीज़ों की थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही हैं। तो आप देख भी सकते हैं और आप वीडियो में आप बिल्कुल दिखा भी सकते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं,
और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी विजिट करें कमांडर सिटी, और विजिट करने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये बात सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमांडर साहब। सियासतदान तो सिर्फ बातें करते हैं, हम तो आपको हेल्थ कार्ड देंगे, हम तो महंगाई खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने तो सस्ता घर भी दे दिया, आपने तो अब तो मेडिकल की सहूलत भी आपने दे दी, बातें नहीं की। मैंने देखा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है, जब आप कार्ड दे रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। बड़ी जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव आपने लिया है, ये तो हो गया, अब मुस्तकबिल क्या है और आज के इस इनिशिएटिव से लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो फाइनेंशियल सिचुएशन है लोगों की, स्पेशली मिडिल लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, तो आउट ऑफ रीच चीज़ें होती जा रही हैं, और सबसे जो मुश्किल इस वक्त है वो मेडिकल के अखराजात बेयर करना। देखिए, गायनी ये हर घर का मसला है, ठीक है, बच्चों की पैदाइश में सबसे ज्यादा अमवात हमारे मुल्क में होती है, क्योंकि गरीब लोग अच्छे अस्पताल, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी नर्सिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर वैसे भी मेडिकल एमरजेंसीज होती रहती हैं, उसमें गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो इतना उस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। तो बहुत ज़रूरी था कि जो लोग हमारे सिटी में आ रहे हैं, मेरे विजन का भी ये हिस्सा था कि उनको जो मेडिकल केयर है उसमें जो हम फैसिलिटेट कर सकें वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से आज वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ, और आज हमने फ्री मेडिकल कार्ड तमाम रहायशियों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 4 लाख रुपए तक लिमिट है एक फैमिली की, जिसमें मियाँ बीवी दो बच्चे शामिल हैं। ये कमांडर बिल्डर की तरफ से एक गिफ्ट है, ठीक है, रेजिडेंट्स के लिए, और पाकिस्तान भर में 236 हॉस्पिटल इसमें कवर्ड हैं, और 3 बड़ी लैब्स जिसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हैं वो कवर्ड हैं, लैब टेस्ट इस पे कवर्ड हैं, एडमिशन सारे हॉस्पिटल्स में कवर्ड हैं, हॉस्पिटल के तमाम अखराजात अगर ये एडमिट होते हैं वो कवर्ड हैं, गायनी ट्रीटमेंट कंप्लीट कवर्ड है, डिलीवरी के साथ किसी भी हॉस्पिटल, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल, इंक्लूडिंग आगा खान हॉस्पिटल, ठीक है। तो 236 में तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल, दरमियाने हॉस्पिटल, हर बजट के हॉस्पिटल हैं, आप अपनी लिमिट के अंदर 4 लाख रुपए एक साल में खर्च कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से, और आपको कोई प्रीमियम अदा नहीं करना। तो ये फ्री मेडिकल कार्ड्स हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और ये हमारे विजन का हिस्सा है, और जो भी यहाँ शिफ्ट होते जाएंगे उनको ये फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती जाएगी। कमांडर साहब, ये तो रिहायशियों के लिए, मतलब कमांडर सिटी, वैसे बेसिकली लोग अगर जाना चाहे क्या कमांडर सिटी और ये कहाँ पर है? देखिए, कमांडर सिटी तो ये सुपर हाईवे पे, अब तो मेरा ख्याल है आधा पाकिस्तान कमांडर सिटी को अल्हम्दुलिल्लाह जानता है। तो ये मॉडल हमारा 2027 तक इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर देंगे। 5,000 घर बन रहे हैं यहाँ और 25,000 लोगों ने बसना है, तो 2027 तक इसको हमने दुनिया की सबसे कंफर्टेबल सोसाइटी बनाना है। इससे पहले हमने बिजली मुफ्त की 100 यूनिट तक, आगे हम मजीद यूनिट बढ़ाएंगे फ्री बिजली की फ्राहमी में। खाना पहले ही मुफ्त है यहाँ, मिनरल वाटर यहाँ फ्री लोग पीते हैं, ठीक है। आज हमने मेडिकल फैसिलिटीज भी मुफ्त कर दी हैं, फ्यूचर में हम फ्री स्कूल भी लेके आ रहे हैं कि एजुकेशन भी मुफ्त होनी चाहिए। तो ये वो कंफर्ट्स हैं जो एक किसी भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए अवाम को, ठीक है। अगर वो नहीं दे रही तो हमने कहा हम क्यों ना ऐसी बस्तियां बनाएं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जिस चीज़ को लोग तरस रहे हैं वो हम दें। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कमांडर सिटी, और आज का जो इवेंट हमारा हुआ, फ्री मेडिकल जो हमने हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों में, तो इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे, और 2027 के बाद जब हम पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे तो हर शहर के साथ ये एक बस्ती होगी जिसको हम कायद का पाकिस्तान कहते हैं, जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं, जिसके अंदर प्रोस्पैरिटी होगी, जिसके अंदर इज्जत होगी, जिसके अंदर एक सिस्टम होगा, सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी होगी, आराम होगा, सुकून होगा, यही एक कौम को चाहिए। सारे इनिशिएटिव तो आप ले रहे हैं, और जमीन तो आप, मैं ये समझता हूँ कि जमीन ज्यादा महंगी करके बेचना और उसके बाद इनिशिएटिव करना, ये बड़ा आसान हो जाता है। आप तो जमीन भी सस्ती बेच रहे हो और इसके अलावा जो है वो सारी चीजें आप जो है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो किस तरह आपको फंड्स मिल रहा है, कैसे आप इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब किसी को स्पॉन्सर को बीच में रख के आते हैं या खुद ही सब सारे मामला देख? देखिए, ये वन हेल्पिंग अदर पे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, इसमें चूंकि मेरा अपना प्रॉफिट मैंने नहीं रखा हुआ, ठीक है,
इसलिए जो है यहाँ से कोई पैसा बाहर नहीं निकल सकता। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब बिल्डर्स अपने बड़े बड़े प्रॉफिट रखते हैं और वो प्रॉफिट शुरू में निकाल लेते हैं तो वो स्कीमें फिर लटक जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ चूंकि ये फी सबीलिल्लाह मैं कर रहा हूँ लोगों की भलाई, और इसको मैं रब का प्रोजेक्ट कहता हूँ कि रब ने मुझे इस काबिल बनाया, और रब से ही मैं दुआ करता हूँ। जब भी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरता हूँ तो मैं रब से दुआ करता हूँ कि ऐ रब मेरी मदद कर, और फिर बरकतें आ जाती हैं। तो ये असल में बरकतें हैं जिनकी वजह से ये विजन चल रहा है, और जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो रब जो 700 गुना हमें रिटर्न देता है वो बरकतों की सूरत में, तो वो लोगों को समझ नहीं आता या किसी यूनिवर्सिटी में ये चीज नहीं पढ़ाई जा सकती जो यहाँ मैं प्रैक्टिकली होते हुए देख रहा हूँ कि हमारा पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है और रब उसको मल्टीप्लाई कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है भाई, कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है, और कमांडर सिटी का अगर आप फैमिली बनना चाहते हैं तो भाई सारी डिटेल्स में जो अपने डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ ताकि आप भी कमांडर सिटी का हिस्सा बने और यहाँ पर रहकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह के बाद